तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। खैर आज के वीडियो में क्या होने वाला है खास, वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक नए टाइप की जॉब के बारे में। और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो जॉब वैकेंसी आई है वो एक यूट्यूब चैनल पे है। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसके सब्सक्राइबर भी दूर मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स उनके चैनल पर है। अगर पूरे ओवरऑल मीडिया के सोशल मीडिया कैटेगरी की बात करें तो वो केटर करती है 3.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को, जो उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म में उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे ही एक चैनल की बात करने जा रहे हैं। कौन से चैनल के बारे में वैकेंसी आई है वो मैं वीडियो में आपको बीच में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और क्या क्या प्रोफाइल के लिए वहां पर वैकेंसी आई है, लास्ट कौन सा डेट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जॉब के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, क्या प्रोसेस होगा, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक एक पॉइंट से आ जाते हैं। यहाँ पे जो मैं वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चैनल है वो है द देशभक्त, ये आकाश बैनर्जी का चैनल। अगर आपने देखा होगा तो ये सटायर, पॉलिटिकल सटायर करते हैं। इवन इसके बाद बॉलीवुड और पॉलिटिक्स के अलावा में ही ज्यादातर वो न्यूज डिलीवर करते हैं, और वो बिल्कुल उसमें सटायर करते हैं, जो कि बहुत ही एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। एक यूनिक तरीके से वो लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं चीजों को। तो वो सब के लिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि देखो यार, वैकेंसी तो बहुत सारे उन्होंने पोजीशन के लिए लाई है, और मैंने ये सारा कुछ नोट डाउन करके रखा है क्योंकि ये वैकेंसीज काफी सारे हैं। पहले वैकेंसी की बात की जाए तो स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए वैकेंसी आई है। ये स्क्रिप्ट राइटर्स जो होंगे उनको पॉलिटिक्स और बॉलीवुड के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उनको पॉलिटिक्स और बॉलीवुड के बारे में लिखना होगा। और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो जो मैं प्रोफाइल आपको बताऊंगा ये सारे ही फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है। मतलब अगर आप काम करके देते हो तो आपको उनके बिहाफ में आपको पैसा मिल जाएगा। अब पेमेंट का मोड क्या रहेगा वो सारा कुछ ऑनलाइन ही मिलेगा आपको, वो आपको बता देंगे। जैसे आपका इंटरव्यू होगा, आप जैसे उनको सीवी भेजोगे, सीवी कैसे भेजना है, किस मेल आईडी पे भेजना, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आप सीवी भेजोगे वो आपका इंटरव्यू करवाएंगे, इंटरव्यू में आपसे बार्गेन कर सकते हो कि आपको कितनी पेमेंट चाहिए फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये जो मैं सारे प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ये सारे फ्रीलांस हैं, बस इसमें से एक दो जो आए हैं वो है फुल टाइम एम्प्लॉयज के लिए। तो वो जरा ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। और यहाँ पे देखो यार, जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं उनको इनडेप्थ नॉलेज होना चाहिए पॉलिटिक्स या फिर बॉलीवुड, है दोनों में से किसी भी कैटेगरी में अगर आप लिख सकते हो तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको अच्छे से लिखना होगा, और इनको अलग अलग तरीके से आपको रिसर्च करके लिखना होगा। वेल रिसर्च कंटेंट होना चाहिए इसके अंदर, बहुत सारे जो इनडेप्थ टॉपिक्स जो है वो कवर होने चाहिए, और अलग अलग जो भी मीडिया में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, आपको बिल्कुल जो ऑन द जो अभी दोनों साइड लिखना होगा, प्रोज एंड कॉन्स क्या है दोनों का। एक एक साइड लेके आपको नहीं लिखना है, दोनों साइड के हिसाब से आपको लिखना है और क्लियरली लिखना है। और नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है उनके पास प्रोड्यूसर्स के लिए आई है, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं शोज को, अलग से शोज को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये काम जो है ये उनके लिए सही है जिनको बॉलीवुड के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, बॉलीवुड में कैसे काम होता है उसके लिए अलग एक्सपीरियंस रहा है, पॉलिटिकल फंक्शनिंग के बारे में उनको जानकारी है कि कैसे कैसे पॉलिटिकल पार्टीज काम करती है बॉलीवुड में, कैसे लोगों की हायरिंग होती है, कैसे प्रोडक्शन होता है, वो सारा कुछ उनको पता होना चाहिए, तभी वो एक अच्छे प्रोड्यूसर की तरह काम कर सकते हैं, सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों ये बताना चाहूंगा, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए अगर आप फ्रीलांसर भी हो तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए प्रोड्यूसर्स की तो यहाँ पे एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है रेलेवेंट फील्ड में। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो पाओगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने पढ़ाई कर रखी है इस बारे में तो भी आप अपना सीवी भेज के उनके पास इंटरव्यू दे सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी है इनकी इनकी है एंगेजमेंट एडिटर। देखो इस वैकेंसी के बारे में बताना चाहूंगा, इसके बारे में कोई भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपीरियंस की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दोस्तों देखो जो काम क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जैसे अलग अलग इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो कमेंट्स करते हैं, वो अलग अलग चीजें पोस्ट करते हैं तो उस पर वो रिप्लाई देते हैं। तो वो आपका काम होगा कि जो व्यूअर्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट बढ़ाना, वो क्या आपको ओपिनियन दे रहे, सजेशन दे रहे, जैसे शोज को इम्प्रूव किया जा सके, क्वालिटी इंप्रूव किया जा सके, तो आपको उनके साथ इंटरेक्ट करना है, आपको उनकी बात को समझना है, वो किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं वो सब आपको फिल्टर आउट करना है। फिर आपको उनको चैनल के बारे में अगर वो जानना चाह रहे हैं कुछ, आपको उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, मतलब उनके साथ आपको जुड़े रहना है। क्योंकि देखो यार, शो के जो
जो चैनल चला रहे हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो सारा काम खुद ही करें, तो ये जो आपका काम होगा आपको बिल्कुल एंगेजमेंट बढ़ाना है, आपको उनके साथ एंगेज करना ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा आप देखते होंगे कि अगर 100 लोग चैनल में वीडियोस देखते हैं तो उसमें से रेयरली 30% लोग ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन और भी अगर आप 100 लोग देख रहे हो वीडियो तो उसमें से देखोगे कि 30 लोग ही सब्सक्राइब किए लेकिन बाकी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पर वीडियोज को जरूर देखते हैं। तो आपका काम है सब्सक्राइबर्स को बढ़ाना, तो ये सारा कुछ आपको देखना होगा। और इसके अलावा हाँ, वैल्यूएबल फीडबैक जो आप उनसे जनरेट करोगे उस वैल्यूएबल फीडबैक को आपको अच्छे से चैनल के ओनर्स तक पहुंचाना है। कैसे आप उन फीडबैक्स को अपने शोज में या फिर उनको जो आपको लग रहा है सही है सजेशंस को किस तरह इंप्लीमेंट कर पाओगे वो भी आपका काम है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे एडिटर और एनिमेटर की जरूरत है जो वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। एनिमेशन का जिनको नॉलेज है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी जो मैं वैकेंसीज के बारे में बता रहा हूँ तो सबसे ज्यादा पैसा अगर आपको कहीं पर मिल सकता है तो वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन की अगर नॉलेज है तो फिर आपको जरूर पैसा मिल जाएगा। आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका तो आप जरूर बहुत ज्यादा इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा और आप जो प्रीवियस जो सैलरी या फिर जो अर्न कर रहे थे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स में उससे काफी ज्यादा यहाँ पे अर्न कर सकते हो, क्योंकि उनका कहना है कि अगर आप क्वालिटी कंटेंट देते हो तो आपको जरूर जरूर इंक्रीमेंट मिलेगा और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की बराबरी मिलेगा पेमेंट। इवन आपका अगर आपका परफॉर्मेंस या फिर आपका काम बहुत अच्छा है तो आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी आपको पेमेंट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप स्क्रिप्ट राइटर्स फिर वीडियो एडिटर्स ये सब की प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास फिर पहले काम किया हुआ है तो आपका प्रीवियस वर्क आप जरूर सैंपल्स जो है आप इनको जरूर मेल करें, क्योंकि अगर प्रीवियस सैंपल जैसे आप मेल करोगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वो आपको जान पाएंगे कि आपका कंटेंट किस तरह का है, आप किस तरह से वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कितना उनको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो कि नहीं, और आपको कितना एक्सपीरियंस है, वो सारा कुछ इसमें जान जाएंगे तो फिर आपको बहुत इजी होगा नेगोशिएट करने में, आपको इंटरव्यू में बहुत आसान होगा। तो जरूर अगर आपको इस बारे में आपके पास प्रीवियस सैंपल्स हैं तो अपने प्रीवियस वर्क सैंपल्स को उनको जरूर मेल कीजिए। इसके अलावा अगर ग्राउंड रिपोर्टर की बात कीजिए, देखो ग्राउंड रिपोर्टर का तो समझती हो जो बहुत सारे जो मेरे दोस्त देख रहे हैं जो ऑलरेडी जर्नलिस्ट हैं और काम कर रहे हैं किसी मीडिया इंस्टीट्यूशन के लिए, वो अलग से अपना एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं होगा, आप जैसे अपनी न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे हो साइड में आप इनके लिए भी एक स्टोरी कवर कर दोगे, बस ये आपको करना और इससे आपकी एडिशनल इनकम जनरेट हो जाएगी। जरा सोच के देखो, आप जो काम कर रहे थे जिसके लिए आपको मान लो 20,000 रुपए मिल रहे थे और उसके साथ ही अगर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हो ऐसे यूट्यूब चैनल्स के लिए तो आपका इनकम आराम से 30-35,000 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं होगा। फील्ड पे विजिट कर रहे हो, लोकेशन पे विजिट कर रहे हो, बस आपको किसी और चैनल के लिए थोड़ा सा कंटेंट जुगाड़ करके आपको स्टोरीज जो है उनको हाईलाइट करके देनी है, बस ये है आपका मोटा मोटा काम। और बहुत सारे लोग जो फिर मान लो कि फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म नहीं कर रहे हो या फिर उसकी पढ़ाई कर रहे हो या फिर बहुत सारे लोग जो जॉब ढूंढ रहे हो तो वो भी फ्रीलांस जर्नलिज्म को देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो कि आप अपने लोकेशन में स्टोरीज को कवर कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे अभी कोविड का पैंडेमिक चल रहा है तो कितने लोगों की डेथ हो रही है, हॉस्पिटल का क्या हाल है, फिर क्या हो रहा है मार्केट में, फिर गवर्नमेंट की क्या रिपोर्ट आई है, ये सारी चीजों का आप रिपोर्ट बना के ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आप इनको भेज सकते हो, तो उसके लिए भी आपको फ्रीलांस में अच्छा पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात कीजिए एंगेजमेंट रिपोर्टर, देखो ग्राउंड रिपोर्टर के बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। देखो यार, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और एंगेजमेंट एडिटर ये दोनों जो प्रोफाइल है यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ रही है इनको, क्योंकि एंगेजमेंट एडिटर को लगातार काम करना होगा तो इनको ऑफिस लोकेशन से ही करना होगा, अभी सबको वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा उसकी कोई बात नहीं है। और दूसरा है ग्राउंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का काम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो ये बहुत अच्छा है। अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का काम होता है कि आपको कोऑर्डिनेट करना है डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ, आपको उनको असिस्ट करना है कि टीम का जो गोल्स है एम्बिशंस है जो चैनल का गोल्स और एम्बिशंस है उसे पूरा किया जाए। जो इनका जो ऑफिस है बहुत मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है तो आपको इसमें ऑफिस को ऑर्गेनाइज करना, आपको गोल्स अचीव करे वैसा देखना, आपको प्लान आपको टिकट्स वगैरह बनाने में उनकी मदद करनी है ताकि टिकट्स वगैरह टाइम पे बन जाए, ट्रैवल अरेंजमेंट्स करने का, होटल बुकिंग, फिर इंटरव्यू फिक्स करने के लिए आपका काम होगा, आप अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करोगे, उनके साथ कम्युनिकेट करोगे और उनको अपने चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए बुलाओगे। जैसे अगर आप इनके चैनल का थीम देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी से लोग और फिल्म सेलिब्रिटी के साथ मिल के इनको इंटरव्यू देते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा व्यूज आती है, तो आपका काम होगा उनके साथ मिलजुल कर वीडियोस के लिए उनको इंटरव्यू देने के लिए राजी करना, उनको गाइड करना कि कैसे क्या प्रोसेस होगा इंटरव्यू का, कैसे बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। ऑफिस में लोगों के साथ
और भी उनको और कोई क्वेरी है तो उनके क्वेरीज को नोट डाउन करके आपको उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये सब मोटा मोटी काम होगा आपका। देखो ये सब में अगर आप इंटरेस्टेड हो किसी भी प्रोफाइल में तो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको जो सीवी है वो आपको इनके मेल आईडी पे भेजना होगा जो है contact@thedeshbhakt.in। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, इनका जो मेल आईडी होता है मैं आपको नीचे में दे दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, contact contact@thedeshbhakt.in इस मेल आईडी पर आपको अपना सीवी भेजना है और वहां पे आपको रिवर्ट आ जाएगा। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो सब्जेक्ट लाइन में उस प्रोफाइल का नाम जरूर मेंशन करना, कि अगर आप नाम मेंशन करोगे तभी वो समझ पाएंगे आपको कि आप किस प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हो, तो ये आप कर सकते हो। दोस्तों बताना चाहूंगा इसके लिए कोई एंड डेट नहीं है, आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप कब तक अप्लाई कर रहे हो, उसमें कोई जल्दी जाओगे तो जल्दी आपको जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं है। उनका कहना है कि जो भी एक्सपीरियंस या फिर जो भी रेलिवेंट कैंडिडेट हो वो जब भी हमारे साथ जुड़े हम उनका वेलकम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आज अगर नहीं आए, एक महीने बाद नहीं आए, इस वीडियो को अगर आप 5 महीने, 6 महीने में, 1 साल के बाद भी देख रहे हो तो आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी टीम जो है वो उनकी बढ़नी चाहिए और इनका जो चैनल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इनके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कंज्यूमर बेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो इसी तरह हायरिंग करते रहेंगे। जब तक उनको अच्छे कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तब तक ये हायरिंग चलती रहेगी, तो आप जब चाहो अप्लाई कर सकते हो। और इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत सारी जो मैंडेटरी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप वो सब नहीं करोगे तो फिर आपका एप्लीकेशन जो है पूरी चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी। पहला है कि आपका कवर लेटर होना जरूरी है, जिस कवर लेटर में आप एक्सप्लेन करोगे कि आप वो जो जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो जॉब प्रोफाइल आपको किस पे क्यों इंटरेस्टिंग लगता है और आपको क्या लगता है कि आप वो जॉब प्रोफाइल के लिए फिट हो, ऐसे क्या क्वालिटीज है आप में, वैसा क्या जानते हो, क्या है आपके पास, अगर आपकी एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में बताओ, अगर इंटरेस्ट है तो उसके बारे में बताओ कि आप क्यों उस जॉब के लिए फिट हो और जॉब प्रोफाइल में ऐसा क्या है जो आपको एक्साइट करता है, आपको जॉब प्रोफाइल के ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट आता है। सेकेंड पॉइंट जो है यार, सीवी एक जरूर बनाना, सीवी तो भेजना मैंडेटरी होता है कवर लेटर के साथ, और सीवी में आपको ये पॉइंट सारे कवर करने हैं कि आपका एडुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कितने साल कहाँ से एडुकेशन की, पढ़ाई क्या की, उसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस का सारा डिटेल्स आपको अपने सीवी में शेयर करना होगा, ठीक है। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सैंपल्स अगर आपके पास हैं तो सैंपल्स को जरूर जरूर से अटैच करना अपने एप्लीकेशन में, तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, वेटेज मिलेगा और चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आपका इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह मुझे मेंशन कर सकते हो और मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे में, आप अप्लाई कर लेना उस मेल आईडी से। और कोई और क्वेरीज हो, डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए वीडियो में यही खत्म करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा हमारे चैनल पर आपको इसी तरह जॉब्स और एडुकेशन से रिलेटेड वीडियोज ही मिलेंगे। तो फिर दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।